Hello everyone, I am Bhavita Mishra, your math teacher. Today I am going to teach class 2nd, subtraction. Subtraction means word problem chal raha hai aapka. Word problem, one or two question, maine kara diya hai aaj main aapko. Third or fourth karaungi. To subtraction mein exercise 5, lesson 4 ka exercise 5 chal raha hai. To children, I hope aap word complete kiye honge. करते रहिए और वीडियो आप अच्छे से देखिए, सुनिए, देन उसके बाद आप करिए. प्रीवियस वीडियो में जो है उसे भी आप चेक कर लीजिए. जो वीडियो छूट गया और नहीं कर पा रहे सब आप एक बार अच्छे से केयरफुली आप वॉच करिए, देखिए और वर्क अपना कंप्लीट करिए. नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए, ठीक है. तो आज का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम. सब्ट्रैक्शन में इस समय आपका वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन मैंने करा दिया है. थर्ड क्वेश्चन है अंकुर हैज 60 पेंसिल्स. अंकुर के पास 60 पेंसिल है. स्नेहा हैज 48 पेंसिल. स्नेहा के पास 48 पेंसिल है. Who has more pencils and how many more? किसके पास अधिक पेंसिल है और कितनी है? तो चलिए पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए. क्वेश्चन क्या है? अंकुर है 60 पेंसिल्स. मीन्स अंकुर के पास 60 पेंसिल है, 60 पेंसिल है. स्नेहा है 48 पेंसिल और स्नेहा के पास 48 पेंसिल, ठीक. Who has more पेंसिल, किसके पास अधिक पेंसिल है? ये तो आपको नंबर देखने में ही समझ में आ रहा है कि अंकुर के पास अधिक पेंसिल है ना. लेकिन who has more पेंसिल एंड हाउ मैनी मोर, किसके पास अधिक पेंसिल है और कितनी अधिक पेंसिल है? इसके लिए आप क्या करेंगे है? मान लीजिए कि मेरे पास 10 पेंसिल है, ठीक है, और मेरी फ्रेंड के पास 12 पेंसिल है. तो किसके पास ज़्यादा पेंसिल है? मेरी फ्रेंड के पास. और मेरे पास से फ्रेंड के पास कितनी अधिक पेंसिल है? इसके लिए हम क्या करेंगे? 12 में से 10 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. तभी तो पता चलेगा कि किसके पास कितनी अधिक पेंसिल है. तो चल रहे इसके लिए हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. 60 पेंसिल में से 48 पेंसिल को माइनस करना है. देखिए 60 और 48 इसे हमें क्या करना है? माइनस करना है. आप देखिए 0 है, 0 से 8 माइनस करना है. कैसे होगा? 0 है, 1 यहाँ से ले लेती है, क्या हो जाएगा? 0 से ले क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, ये 10 हो जाएगा ना. इसमें से के लिए यहाँ क्या होगा? 10 हो जाएगा. और ये 6 की जगह क्या हो जाएगा? 5. पहले तो हमने ये सेट कर लिया. अब क्या करना है कि 10 में से 8 को माइनस करना है. समझ में आ रहा है? 10 में से 8 माइनस करेंगे क्या अच्छा? 10 में से 8 माइनस किए 9, 10, 2. 10 में से 8 माइनस कर देते तो 2 आ गया. अब यहाँ क्या बचा है? 6 की जगह क्या हो गया? 5 हो गया. 5 में से 4 माइनस करना है. 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 1. ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको क्लियर हुआ है. न्यू माइक पर ऑर्डर कीजिए. 60 पेंसिल है पास, 48 पेंसिल है स्नेहा के पास. तो 60 में से 48 को हमें क्या करना है? माइनस कर देना है. माइनस के लिए जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया आपको कि अगर इस नंबर से ये नंबर आपका छोटा है उसके लिए हम क्या करते हैं? बगल वाले से भाग ले लेते हैं, है ना. इससे हमें बरो ले लेंगे. 0 है, 0 में जब हम लेंगे तो क्या होगा? 10 होगा.
52 वाटर मिलन है, ठीक है, 52 वाटर मिलन है, उसमें से उसने 27 वाटर मिलन बेच दिया। अब उसके पास कितने वाटर मिलन बचेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 5 चौक है, ये 5 चौक है, जिसमें से मैंने 4 चौक हटा दी या कोई ले लिया, तो कितनी बचेगी, एक ही बची ना। इसी तरह से तो 5 में से 4 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हटा देंगे, तब एक बचेगा। हमने इसमें क्या करना है, 52 में से 27 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 52। Twenty-five watermelons are